गाइस जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आप लोग छोटी सी क्लिप देखा है, मेरे स्टार काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है मेरे साथ खेल खेल में। तो वीडियो पूरी आप लोगों को देखने से पहले मैं कुछ बातें बता दूँ। अभी कुछ वीडियोज़ वायरल हो रही हैं पिटबुल की और अर्बुलर की भी, जो काफ़ी लोगों पर अटैक कर रहे हैं और काफ़ी मतलब चोटें भी आई हैं कह रही है। ऐसा नहीं है, झूठी तो वीडियो नहीं है, बस अच्छी हैं वीडियो। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, उनमें इन बेचारों की कोई गलती नहीं है, इस इन वीडियो की कोई गलती नहीं है। हालाँकि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो भी काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी ख़तरनाक होते हैं, लेकिन अभी ये रॉटविलर मतलब रॉटविलर पिटबुल टाइप की ब्रीड जो होती है, जो अपने घर में पाली जाती है, बाहर तो आपको आम दिखेंगी नहीं क्योंकि भाई कॉस्टली होते हैं, और ये बाहर की भी ब्रीड्स होती हैं। तो अभी काफ़ी मतलब स्टेट में शायद बैन भी लग गया है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इनको पालना चाहते हैं तो पाल सकते हैं, लेकिन उनकी केयर मांगता और इनको फ्रेंडली बनाने के लिए। अभी आप मेरे जैसे वीडियो देखेंगे, मेरा स्टार काफ़ी फ्रेंडली है, एग्रेसिव भी है। हालांकि जो मैं बोलता हूँ, जैसे मैं करता हूँ, मतलब मैं जैसे इसको मैंने इसको ट्रीट कर रखा है, जैसे मैंने इसको रखा है उसी तरीके से बिहेव करता है, मेरे साथ खेलता है। अभी जैसे कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा, मतलब खेल रहा था मेरे साथ, तो वो एग्रेसिव दिखा रहा था, लेकिन एग्रेशन था, लेकिन ऐसा कुछ हार्डली कुछ मतलब टच नहीं करता मुझे, या मुझे काटता नहीं या बीट बाइट नहीं करता कि मुझे कुछ नुकसान हो। वो एकदम फ्रेंडली खेलता है, आराम से पैर को भी मेरे एकदम हल्के मुँह से अपने पकड़ता है। तो ऐसा अपना वीडियो अपने, अगर आप रॉटविलर जैसी ब्रीड या पिटबुल और भी जैसे ब्रीड हैं, एग्रेसिव ब्रीड हैं, अगर आप पालना चाहते हैं तो उनको समय दीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर भी अटैक करेंगे, आपके घर के मेंबर्स के ऊपर भी अटैक करेंगे, आप बाहर लेकर जाएंगे तो और ज़्यादा एग्रेसिव होंगे। तो आप उनको ट्रेनिंग जरूर करिए, ऐसा नहीं कि आप कोई भी डॉग लाएँ, रॉटविलर पिटबुल या कोई भी ऐसी एग्रेसिव ब्रीड लाएँ और ऊपर घर में लाकर कुछ छोड़ दिया, खाना दे रहे हैं, खाना भी देने जा रहा है तो वो एग्रेशन दिखा रहा था, मैं ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप उनको प्रॉपर बचपन से ही उसको ट्रेन कीजिए और उसके खाने को अपने हाथ से दीजिए, अपने खाना खाते समय उसके हाथ खाने में हाथ डालिए, उसको ट्रेन करिए। नहीं समझ में आ रहा, आप वीडियो यूट्यूब पर भी काफ़ी वीडियो बनी है ट्रेन, अपने डॉग को कैसे ट्रेन कर सकते हैं, उस वीडियो को देख करके आप अपने डॉग को ट्रेन करें। क्योंकि ये ऐसी ब्रीड नहीं होती लेब्राडोर या फिर पोमेरियन और भी जैसी होती है कि आप घर में लाए वो एकदम फ्रेंडली रहता है, ये ऐसी ब्रीड नहीं है। ये गार्ड टाइप के डॉग्स होते हैं, ये होम गार्ड के लिए काफ़ी मशहूर होते हैं, ये आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। हालांकि उनमें वो क्वालिटी नहीं होती, वो सिर्फ बार्किंग करते हैं, लेकिन ये प्रोटेक्ट भी करते हैं रियली में। लेकिन इनको ट्रेन प्रॉपर करना पड़ता है, जैसे कि मैंने कर रखा है, जैसे कि अभी इसने स्टार्टिंग में पावदान भी जो था डोरमैट, उसको मुँह में दबा रखा था, काफ़ी एग्रेसिव दिखा रहा था, मैं काफ़ी पुल कर रहा था, छुड़ा रहा था, नहीं छोड़ रहा था। लेकिन जब मैंने इसको बोला, कमांड दिया लीव, तो उसने लीव कर दिया, छोड़ दिया उसको। तो ये सब अच्छी सी ट्रेनिंग है, इन लोगों को तो जरूर दीजिए बैठने की, खाने की। और बाकी की वीडियो मेरी और मेरे स्टार की वीडियो को एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो एंजॉय करें मेरी वीडियो को। गाइस ये अपना रहा स्टार, जो कि काफ़ी आराम से बैठा हुआ है, लेकिन ये आप लोग को देख रहे तो ये मुझे ही बार बार देख रहा है, क्योंकि मैंने अभी टी शर्ट पहन ली और ये जब मैं टी शर्ट पहनता हूँ तो उसको लगता है मैं आप घूमने जाने वाला हूँ। तो भाई साहब मैं कहीं भी जाऊँगा ये मेरे पीछे पीछे मतलब मुझे देखता ही रहेगा, मैं किधर जा रहा हूँ, देखो ना वैसे देख रहा मुझे, तो अंदर अभी मैं बाहर जाऊँगा तो मेरे पीछे पीछे तुरंत आ जाएगा, चलने बाहर और देख रहे ना, देखिए कितना खुश हो गया, कितना खुश हो गया। अब ये भाई साहब सोच रहे हम लोग बाहर जाने वाले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, मैं जाऊँगा ऑफिस, क्योंकि मेरे ऑफिस का टाइम हो गया है और ये जीने की तरफ बार बार पड़ रहा है। ओए बाहर नहीं जा रहा है, इतना कुछ मत हो, ये जब इनका घूमने की वजह, वैसे तो मैं इनको शाम को ही घुमाता हूँ, और जैसे मैं मतलब टी शर्ट पहन के अपने अकेले जाने के लिए भी सोचता हूँ, सोचता हूँ मुझे घुमाने नहीं चला, तुरंत जीने के पास आ जाएगा और पहले से पहले आगे आगे चलेगा। और लास्ट टाइम होता क्या, मैं गेट खोल कर चला जाता हूँ, ये गेट के अंदर रह जाते हैं। मैंने इसके लिए नहीं बुलाया था ये भाई, जब घर में रहता हूँ ना तो ऐसे ही करता रहता, मुझे अपना एग्रेशन नहीं पता, बहुत ताकत मिली, ये मुझे डराता है ये सब दिखा के, मुझे जीत नहीं पाऊंगा, शक्ति प्रदर्शन कर रहा है अपना स्टार। बस करो बस करो, अच्छा बस करो, पता
बस चले आते समय बस बस पटंगी नहीं।